It's like in the last class we had finished in like the entire section on gram panchayat और अब हम लोग जो है न्याय पंचायत के बारे में बात करते हैं. तो कुछ गांवों में जो है न्याय पंचायत की भी व्यवस्था है, ठीक है. इट इज़ अ टास्क ऑफ विलेज पंचायत टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द न्याय पंचायत. जो ग्राम पंचायत जो होती है उनके उनकी उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो न्याय पंचायत के मेंबर्स का जो है चुनाव करे. द न्याय पंचायत लिसन टू केसेज सच एज माइनर थेफ्ट्स, ट्रेसपासिंग, फैमिली फ्यूड्स एंड अदर स्मॉल केसेस. न्याय पंचायत जो होते हैं वो छोटे छोटे केसेस को सुनते हैं, जैसे कि छोटी मोटी चोरी हो गई, किसी के ज़मीन में कोई घुस गया, कुछ कर लिया, उठा लिया कुछ, या परिवार के बीच पारिवारिक झगड़ा जो होता है, वो जो छोटे छोटे केसेज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो न्याय पंचायत के जुरिसडिक्शन में आती है. एंड दे कैन इम्पोज फाइन्स अप टू 100 रुपीज़ बट कैन नॉट सेंड एनीवन टू प्रिजन. वो जो है 100 रुपये तक का फाइन जो है वो लगा सकते हैं लेकिन किसी को जेल नहीं भेज सकते हैं. अब एडवांटेज ऑफ द न्याय पंचायत इज दैट इट हेल्प्स टू रिजॉल्व माइनर केसेस एट द लोकल लेवल इन एन इनएक्सपेंसिव वे. न्याय पंचायत का फ़ायदा ये है कि ये जो है लोकल लेवल पर जो छोटे मोटे केसेज जो होते हैं उनको रिजॉल्व करने में मदद करती है और मोटा मोटी नहीं के बराबर खर्चा होता है. नहीं, अगर आप थाने जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, बाकी जगहों पर खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो न्याय पंचायत में ये फ़ायदा है कि बिल्कुल जो है कह सकते हो कि बिल्कुल जो है सस्ते में जो है आपको आपका माइनर केस जो होता है वो सेटल हो जाता है. सच केसेज आर रिजॉल्व फास्ट एंड हेल्प द पार्टीज इन्वॉल्व सेव मनी एंड टाइम. और चूंकि न्याय पंचायत में क्या है कि तारीख पर तारीख वाला चक्कर भी नहीं होता है, तो रिजॉल्व जो है मुद्दा जो है वो जल्दी ही हल हो जाता है और जो इन्वॉल्व पार्टीज होती हैं उनका पैसा और टाइम सब बचता है फिर इसमें. However, if a person is dissatisfied by the settlement of a case, she or he can always take the case to the High Court, right? अगर कोई आदमी जो है वो मान लो केस के सेटलमेंट से अगर जो है असंतुष्ट है तो वो कभी भी इसको जो है ऊपर कोर्ट में लेके जा सकते हैं, right? अब इस तरह से क्या है कि जो पूरा आइडिया है पंचायती राज का, ठीक है, द होल आइडिया ऑफ द पंचायती राज, ओके, इज टू इनकरेज पीपल्स पार्टिसिपेशन एट द ग्रास रूट लेवल, यू कैन से, राइट. बिल्कुल जो है एकदम से जमीनी स्तर पर जो है लोगों का डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन या गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन, यही जो है पंचायती राज का पूरा आइडिया है. नाउ द रोल ऑफ द ग्राम सभा इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट द विलेज लेवल. ओके, जो ग्राम सभा का जो रोल है ये शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये इंश्योर करने में कि पंचायती राज की जो कि पंचायती राज के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो गांव के स्तर पर प्रॉपरली अपना काम करें. द रोल ऑफ द लोकल पीपल, ओके, जो लोकल लोग जो हैं इनका भी रोल है टू कंडक्ट यू नो सोशल ऑडिट, सामाजिक रूप से जो है वो जांच करें काम कैसा चल रहा है. और इसके अलावा जो पंचायत फंक्शनरीज हैं, पंचायत के जो काम करने वाले हैं, वार्ड मेंबर, मुखिया वगैरह, उनकी जिम्मेदारी जो है वो भी वो तय करेंगे, राइट. तो ये जो है ग्राम सभा का एक इम्पॉर्टेंट, और ये सब किस कहाँ पर होगा, तो ये ग्राम सभा के थ्रू हो सकता है. जब भी ग्राम सभा की बैठक बैठेगी तो उसमें जो है वो सबका हिसाब किताब रख देंगे सामने में. नाउ टू एंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पंचायती राज इन ऑल द स्टेट्स, मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है हर एक स्टेट में लागू करने के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज मंत्रालय जो है वो जो है पंचायती राज से जुड़े हुए सभी मुद्दों को देखता है, ठीक है, और इसके इंस्टीट्यूशंस का भी जो है देखभाल करता है, इसके इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशंस की भी खबर रखता है. इट ऑर्गेनाइजेज अवार्ड्स फॉर द बेस्ट पंचायत, ये जो है बेस्ट पंचायत का अवार्ड देता है. साथ ही साथ जो है फंड्स ग्रांट करता है बैकवर्ड रीजन्स के लिए, और साथ ही साथ जो है डेवलपमेंट और ट्रेनिंग जो होती है पंचायत की उसके लिए भी जो है ये व्यवस्था करता है. ओके, नॉनदरेस यू नो लाइक क्विकली लुक इनटू दिस केस स्टडी हियर. 1993 में जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट रहा इंडिया के हिस्ट्री में. हमारे संविधान में जो है अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद जो है पंचायती राज पोस्ट में जो है 33% सीट जो है वो रिजर्व कर दिया गया. फिर 1909 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्दर जो है 50% रिजर्वेशन जो है वो अप्रूव किया ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए. तो इस तरह से महिलाएं जो हैं वो जो है अपने ऑफिशियल पंचायत के अपने ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी लेना उन्होंने शुरू कर दिया है. तमिलनाडु और कर्नाटका में जो पंचायत के थ्रू जो ये वीमेन का एम्पावरमेंट हुआ है
उसकी वजह से जो है महिलाओं की जो है एक नेटवर्किंग भी हो गई है, एक फेडरेशन, जो इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने अपना एक फेडरेशन फॉर्म कर रखा है। महिलाओं की जो एक सामूहिक आवाज़ कहें हम, कलेक्टिव वॉइस जो है, ये जो है बहुत सारे इश्यूज को, सोशल रिफॉर्म से जुड़े हुए बहुत सारे इश्यूज को जो है सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज को जो है बंद करना, बाल विवाह को, साथ ही साथ जो है ये इंश्योर करना कि लड़कियां जो हैं वो स्कूल जाए, जो लिकर कंजम्पशन जो है ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों में उसको कम करना, कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं पंचायती राज के द्वारा होने वाले वीमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स से। ओके, नाउ लेट अस यू नो लाइक क्विकली रिकैप दिस चैप्टर बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट आई मीन फिनिश्ड इट। पंचायती राज जो है ये लोकल लेवल पर सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम है। इसके 3 टायर्स हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जो जितने भी बड़े गांव हैं उनमें जो है ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत की व्यवस्था होती है। ग्राम पंचायत जो है वो सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक ज़रूरतें होती हैं गाँवों की उनका ध्यान रखती है। ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी होती है, SC और ST की भागीदारी होती है, साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लासेज जो OBC कैटेगरी है उनकी भी भागीदारी होती है। न्याय पंचायत जो है वो गांव के छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उनको गांव के स्तर पर ही तेज़ी में सुलझा देती है। सो वेल दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर अबाउट पंचायत राज एंड एवरीथिंग। वी विल टॉक अबाउट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, जिसमें हम लोग जो है गवर्नमेंट वाले एंड को देखेंगे ग्रामीण स्तर पर। सो बट वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट लेसन। Until then, just finish the question answers. Bye-bye.